में भी तमाम तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई है। हमारे साथ रांची उपायुक्त मौजूद हैं, क्या कुछ तैयारी इनसे जाते हैं? सर, राजकीय कार्यक्रम है, राष्ट्रपति के आने की भी बात हो रही थी लेकिन अब नहीं, क्या कुछ होगा ये इस कार्यक्रम के? माननीय राज्यपाल महोदय मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं, उनके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री समेत झारखंड सरकार के अन्य मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण समेत राज्य के आला अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। जैसा कार्यक्रम पहले से होना था उस कार्यक्रम में किस तरह का बदलाव नहीं है। इसमें लाभुकों को परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा, योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया जाएगा, सारी तैयारियां अपने सुचारू तरीके से चलाई जा रही हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उसका ड्रेस रिहर्सल भी कल हो चुका है, एक फाइनल ड्रेस रिहर्सल कल भी हो जाएगा। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम अच्छे तरीके से सफल। सरकार की ओर से कितने परिसंपत्ति? ये पूरे राज्य स्तरीय परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है, उसमें पिछले एक महीने में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम के दौरान जितने भी जिलों में परिसंपत्ति वितरण किया गया उसका अलग करते हुए जहाँ जहाँ पे नहीं हुआ था अकेले उसका किया जा रहा है। रांची का 254 करोड़ रुपए का परिसंपत्ति वितरण है और पूरे राज्य का अगर देख लिया जाए तो वो 2500 करोड़ का है। बिल्कुल, तो रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राजकीय कार्यक्रम, झारखंड स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित हो रही है। ऐसे में राज्यपाल भी मौजूद होंगे, तमाम अधिकारी पदाधिकारी सब लोग यहां मौजूद होंगे। ऐसे में रांची के उपायुक्त ने तमाम जानकारियां दी हैं कि करीब करीब 250 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण होगा, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा, खास करके आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भी जो सरकारी योजना है वो लाभुकों को दी जाएगी। अब देखना होगा क्या कुछ खास होता है इस कार्यक्रम में, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।